नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां आसमान से बरस रही है आग, जमीन पर झुलस रहे लोग, तापमान पहुंचा 44 डिग्री। साथ ही बात होगी भदोई की, जहां भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद विंद ने किया धुआंधार जनसंपर्क अभियान, और बताएंगे कैसे मऊ में लाखों के आभूषण, तमंचा, जिंदा कारतूस व रिक्शा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां आसमान से सूर्य आग बरसा रहा है। आज सुबह से ही आसमान से गर्म आग के गोले बरस रहे हैं, जिसे पशु पक्षी भी बेहाल हो उठे। गर्म हवा के चलते लू के थपेड़ों ने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दोपहर बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। आने जाने वाले राहगीर भी सर पर गमछा बांधकर झुलसती आग से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी से बचने के लिए कूलर पंखे की हवा भी महसूस नहीं हो रही है। यदि आज के तापमान की बात करें तो तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि सप्ताह तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहाँ औराई विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज जनसंपर्क रैली निकाली गई। स्थानीय बाजार महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी के 78 लोकसभा के उम्मीदवार व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के नेतृत्व में लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद द्वारा महाराजगंज बाजार में बृहस्पतिवार सुबह आम जन से पैदल जनसंपर्क किया और लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगा। जगह जगह पर महाराजगंज बाजार में लोगों ने माला पहनाकर प्रत्याशी का हौसला बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद विंद ने द्वारा हाथ जोड़कर सभी से वोट मांगा गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसंपर्क अभियान महाराजगंज बाजार होते हुए भरोसगंज, ममहर, चौरी बाजार होते हुए भदोही सहित पूरे जिले में जनसंपर्क किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष महाराजगंज आलोक मिश्रा, आशीष दुबे, सुशील मिश्रा, विद्या शंकर पांडे, सतीश मिश्रा, संतोष तिवारी, मुकेश मंगलम, संजय बिंद, छठम बिंद, धनंजय दुबे, सूर्यमणि दुबे समेत हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां आज 22 मई को 26वीं निःशुल्क गंगा स्नान यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद एटा फिरोजाबाद से 41 बसों एवं 5 चार पहिया वाहनों से लगभग 2251 से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क गंगा स्नान कराया गया। यात्रा का आयोजन पूर्णिमा से एक दिन पूर्व चतुर्दशी को शाम 7 बजे किया गया। वाहनों को लालपुर से श्रमण गंगा सेवा समिति के कार्यालय पर एकत्रित करके सूर्य प्रताप सिंह ने साधु संतों व श्रद्धालुओं के साथ मिलकर श्री गणेश भगवान की आरती कर सभी वाहनों को सोरो कछला जी घाट के लिए रवाना किया। क्षेत्र के लोगों का समिति द्वारा गंगा स्नान कर सारा आभार वाहन किया जाता है। समिति का उद्देश्य है कि जो असहाय, गरीब और बुजुर्ग लोग हैं, जो आने जाने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों के लिए लालपुर के लाल ने बीड़ा उठाया है। इस मौके पर प्रभारी गप्पू ठाकुर जिनावली, सनी ठाकुर सहित आदि समिति के सदस्य व श्रद्धालु जन मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के अहमदनगर से है, जहां मौजूदा समय का सबसे भीषण हादसा सामने आया है। और बुधवार दोपहर करीब 1:30 पर अहमदनगर जिले के अकोले तालुका के सुगांव बुद्रुक के पास प्रवरा नदी में नहाने गए 3 लोगों समेत 5 लोगों के डूबने की घटना सामने आई है। मृतकों में मुंबई से राहत कार्य के लिए आईटी के 3 लोग और स्थानीय लोगों समेत 5 लोग शामिल हैं और मौके पर राहत कार्य जारी है। संगमनेर और सिन्नर तालुका के कुछ युवा कृषि कार्य के लिए अकोले तालुका के सुगांव प्रवरा नदी में स्नान के लिए पानी में उतर गए थे। काल सुगांव परिसरामध्ये 2 मुलं पोहण्यासाठी आले होते। दुर्दैवाने त्यांचा पाण्यात पडून त्यापैकी 1 जणाची बॉडी रिकवर झाली आहे आणि 1 जणाची बॉडी अजूनही रिकवर व्हायची होती। म्हणून आपण SDRF टीमला ती बॉडी शोधण्यासाठी विनंती केली होती। SDRF पथक आज सकाळी 6 आलेला आहे आणि बचाव कार्य करताना त्यांचे बोट दुर्दैवाने पाण्यामध्ये उलटली आणि त्यापैकी 4 जवानांना आपण आता सद्यस्थितीमध्ये हॉस्पिटलला रेफर केलं आहे। एका जवानाची तब्येत आता स्टेबल आहे आणि 3 जवानांचे दुर्दैवाने मृत्यू झाल्याचं कळतं आहे। उर्वरित 2 लोकांचा शोध आता सुरू आहे। महाराष्ट्र अहमदनगर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़ी की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गुहना पुलिस अधीक्षक इलामारन के निर्देश में संदिग्ध वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज मोहम्मदाबाद गुहना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें चोरी के आभूषण सहित तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
वही गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाल धर्मेंद्र कुमार सिंह, उपनिरीक्षक देवेश मिश्रा, हेड कांस्टेबल उदय प्रकाश यादव, अखंड प्रताप सिंह, शशांक कुमार, ओम प्रकाश यादव आदि साथ रहे। मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अजय विक्रम सिंह ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ के सोशल नेटवर्क और एडिशनल एसपी सर के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान में आज मोहम्मदाबाद वाहना पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। जब एक मुखबिर ने सूचना दी थी कि एक जो ऑटो चालक है जिसने एक महिला का पर्स जिसमें कुछ गहने थे वो चुरा कर भागा था और आज वो उसी रिक्शे से रामघाट मंदिर से होता हुआ और जो है वो घोसी की तरफ जा रहा था। तो मुखबिर की सूचना पर जो है हमारी महमदाबाद थाना पुलिस हमारे SHO अपनी हमला के साथ जिसमें हमारे दो अंडर ट्रेनिंग SI देवेश मिश्रा भी उपस्थित थे और जैसे ही उसको उसके टेम्पो को देखा पुलिस ने रोका और उसके पास से जिस व्यक्ति की पहचान हुई है अतीक अहमद पुत्र अलीमति निवासी परेपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहाना जिसकी उम्र 21 वर्ष है इसको पकड़ा और इसके पास से एक पीली धातु की चैन और एक पायल और एक अदद तमंचा और इसमें कुछ एक लेडीज पर्स ये इसके पास से बरामद हुआ है और बादी की तहरी पर जो है मुकदमा संख्या 159/2024 धारा 379/411 पंजीकृत कर दिया गया है। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट में मुकदमा संख्या 160/2024 पंजीकृत कर दिया गया और आरोपी को जो है माननीय न्यायालय गवर्नर दिया। मऊ से CNews संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए CNews भारत।